अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऐसे पार्ट थ्री की वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सोप ऐसे एग्जाम्स में आ सकते हैं वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ बातें रिवाइज कर लेते हैं। देखें, ऐसे के अंदर आपने सबसे ज़्यादा कोशिश इस बात की करनी है कि आप क्रैम्ड मटेरियल, रटे वाला मटेरियल या कहीं से कॉपी करके मटेरियल को, आपने कंटेंट को इस्तेमाल नहीं करना। आपने खुद से लिखना है। जितना ज़्यादा आपका अपने आइडियाज़ होंगे उतना ज़्यादा स्कोर आप हासिल कर सकेंगे। अगर आप बिल्कुल बाहर नहीं आ सकते तो आप बेशक दरमियान वाले पैराग्राफ में चंद एक जुमले, चंद एक बातें आप कॉपीड कर ले, लेकिन इंट्रो में और कंक्लूजन में तो हरगिज ना करें। जो शख्स आपके पेपर चेक करेगा उसके पास साल या साल का तजर्बा होता है और उसको चंद लम्हों में पता चल जाता है कि कैंडिडेट की अपनी राइटिंग है या उसने कहीं से चुराई है। तो हजूर, आपने ख्याल ये रखना है कि आप इसको किसी तरह भी, कोई मॉडल ऐसे की बुक्स मिलती हैं या कहीं से बने बनाए ऐसे मिलते हैं, या आप किसी अकेडमी में पढ़ रहे हैं और वहाँ से बने बनाए ऐसे आपको मिल जाते हैं, तो उसको आप रट्टा लगा के छापने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने साइकोलॉजिकल जो बर्डन है इससे बाहर निकलें और खुद से लिखें। इसका मटेरियल आपने, आपको जहाँ से भी मिल सकता है, अब तो इंटरनेट जैसी सहूलत है वहाँ से आप ले सकते हैं। आप न्यूज़पेपर, जब तक आपके पेपर है उसके बाद भी आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन जब जहाँ तक जब तक आपके पेपर है तो न्यूज़पेपर में जो टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स को आप तवज्जो से पढ़ते रहिए। एक कॉपी ले लें, उसमें से पॉइंट निकाल लें और वो पॉइंट आप याद रखें, लेकिन लिखें खुद से। अभी मैं, मेरे एक साहब मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, उनका नाम है तुकीर साहब। बड़ी कंसिस्टेंट रहे वो, उन्होंने 100 प्रेसेस की और ट्रांसलेशंस की, और जो जब उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया तो स्टार्ट में वो भी यही गलती कर रहे थे, ये मिस्टेक कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से वो मटेरियल को कॉपी करने की कोशिश करते थे। एग्जामिनर को कभी भी इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी। बस आपने सिंपल सादा जुबान के अंदर अपने ख्यालात को इनडायरेक्ट वे में, फॉर्मल वे में इजहार करना है। अब जब मैंने उन पे उनसे रिक्वेस्ट की कि जी आप खुद से लिखें, तो वो इंट्रोडक्शन क्लाइमेट चेंज का कैसे लिख रहे हैं सुनिएगा। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ बिगर आर स्मॉलर, डेवलप्ड आर अंडर डेवलप्ड, आ कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाय द होल वर्ल्ड व्हिच हैज पुश्ड ऑल कंट्रीज टू सिट ऑन वन टेबल एंड थिंक इट्स सोल्यूशन इज क्लाइमेट चेंज ऑल और वरीड। अल्लाह अलमाइटी क्रिएटेड दिस यूनिवर्स विद ब्यूटी एंड बैलेंस ऑफ ऑल थिंग्स फॉर प्लेजर ऑफ मैन, बट द सेम मैन हैज डिस्टर्ब द बैलेंस इंजीनियरिंग ऑफ इट्स क्रिएटर फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशन, द रिजल्ट ऑफ दिस डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब देखें, आप जो जो एक एक फिक्र पढ़े, सादा सी, सादा जुबान, सादा वोकेबलरी, और आपका जो पढ़ने वाले का, रीडर का फौरन तवज्जा उसकी तरफ जा रही है और उसे पता चल रहा है कि ये क्रैम्ड मटेरियल नहीं। तो आप लोगों ने भी ये कोशिश करनी है कि आप इसको क्रैम्ड मटेरियल ना करें। अब आपके सामने जिस वक्त ऐसे आएगा, एक तो सोप के ऐसे 50 स्कोर का है, तो इसके अंदर आपको थीसिस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, इसके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत नहीं है। CSS की अकेडमी में कुछ लोग पढ़ते हैं तो इसे मजीद कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। भाई, आपने 1000 से 1500 लफ्जों का ऐसे लिखना है। सादा सा टॉपिक आता है जो CSS कैसे होता है, उसकी डायमेंशन मुख्तलिफ है। जब भी आप ऐसे लिखने लगें, जैसे मिसाल के तौर पे क्लाइमेट चेंज पे मैंने ऐसे लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं रफ पेज बनाऊंगा, लास्ट पेज पे जाऊंगा सॉरी जी, और मैं उस पे जितने मेरे आइडियाज होंगे, क्योंकि आइडियाज स्कैटर्ड आएंगे, वो मैं आइडियाज उसके पॉइंट बना के लिख लूंगा। और उसके बाद मैं तय करूंगा कि पहला आइडिया कहाँ आना चाहिए, दूसरा आइडिया कहाँ आना चाहिए, तीसरा, और इसी तरह मैं आगे चलता रहूंगा। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। 8-10 ऐसे की लाजमन प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हर दौर के अंदर बदलते जाते हैं। जब मुशर्रफ साहब का ज़माना था, मुझे अच्छी तरह याद है, हम CSS के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, उन दिनों में इनलाइटेंड मॉडरेशन का बड़ा चर्चा था, तो इनलाइटेंड मॉडरेशन पे ऐसे आता था। इसी तरह आजकल जिस चीज़ का चर्चा है होल वर्ल्ड में, वो है जी क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे ऐसे आपको ज़रूर आ सकता है, कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो क्लाइमेट चेंज से आपको कोई बात कहीं से भी मिलती है उसे अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा। क्लाइमेट चेंज के बाद दूसरा टॉपिक है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
इसका भी बड़ा शोरो गुगा है, चर्चा है। इसको भी आपने, इसके मुतल्लिक भी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मटेरियल मिलता है उसे इकट्ठा कर लीजिएगा। तीसरा सदाबहार टॉपिक है एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आप अपनी तैयार कर लीजिएगा, किसी भी डायमेंशन से एजुकेशन पे ऐसे आ सकता है। फोर्थ जो है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भी एवरग्रीन टॉपिक है, डेमोक्रेसी पे भी आपने ऐसे तैयार करना है। ये चार चीज़ें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी आ जाती है, इंटरनेशनल इश्यूज आ जाते हैं, एक आध लिटरेरी ऐसे भी आपका आ सकता है। ऐसे आप कोशिश कीजिएगा कि कोई ऐसे ऐसी चीज़ पे आपने ऐसे लिखना है जो सोशल इशू हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कोई रिलीजियस ना हो, कोई ऐसी चीज़ पॉलिटिकल पे पॉलिटिकल ना हो। तैयार ज़रूर कर लीजिएगा, कई दफ़ा आपके पास कोई चॉइस नहीं होती तो फिर बाअमर मजबूरी आपको लिखना पड़ता है। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आप सोशल इशू को ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर डिस्क्राइब करें। सोशल मीडिया, डिजिटल इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक एक करके आप अगर 8-10 टॉपिक तैयार कर लेते हो, फिर इंटरचेंजेबली भी चीज़ें आइडियाज़ इस्तेमाल हो जाती हैं, तो ये इट्स एनफ है। अभी आपके पास टाइम अभी भी है, मैं चंद दिनों में आपके साथ एक प्लान भी शेयर करूंगा, तो आप इसकी अच्छी सी तैयारी कर सकते हो। बात आपने हमेशा सिर्फ ये याद रखनी है, ये मुझे वैसे तो कहते हैं कि बार बार नसीहत नहीं करनी चाहिए, लेकिन शोबा तदरीस के अंदर मजबूरी होती है, नसीहत करनी पड़ती है। इस बजाय इतनी मेहनत करने के कि आप रटा लगाएं, आप अपने ऐसे खुद से लिख कर उसे अच्छा सा उसका रिव्यू कर लीजिए और उसे तैयार कर लीजिए, ताकि आपका अच्छे से अच्छा स्कोर आए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे और एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।